हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा प्लान दिखाऊंगा। देखिएगा आप वीडियो को शुरू से अंत तक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल लाइफ इज ऑसम सिविलिंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन। सो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्लॉट का साइज जो है 28x55 फुट में बना हुआ है एंड उसे कंस्ट्रक्ट करने में कितना कॉस्ट लगा है और कितना समय चाहिए, वो सब डिटेल आपको आज बताऊंगा मैं आपको। सो वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल प्लान्स फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन जो कि आप देख रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा सिंपल सा नॉर्मल सा प्लान देख सकते हैं आप एंड यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर जो कंसिस्ट करता है। प्रपोज डिज़ाइन प्लान, तो मेन गेट था तो खुला जगह रखा है या फिर शायद कुछ ऑड है या ऐसा कुछ तो हो सकता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से उसको ऐसा दिया गया। एंड घर के अंदर एंटर हुए अब यहाँ से, ये वरांडा दिया गया, वरंडा का साइज़ जो दी है 8x5x8 में एक वरंडा है। फिर उसके बाद ये हॉल, बड़ा सा हॉल, ऐसे ही सेम आप डुप्लेक्स हाउस चाहे तो बना सकते हैं। पूजा रूम दिया गया, ओके। पूजा रूम का साइज़ जो है 4x5 फीट में बनाया गया एंड यहाँ पे है किचन, 10x9 फुट में किचन है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए जगह किचन से ही, तो वहाँ पे आपको सफिशेंट जगह मिल जाएगा स्टोरेज परपोज, 6x4x4x4। और डाइनिंग एरिया दिया है 10x7 फीट इस तरह का, और हॉल 12x16 फीट का। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटर होते हैं ये बेडरूम 12x10 फीट एंड मास्टर बेडरूम 10x14x4 विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ 7x4x4 का, ओके। पीछे ऑफसेट के लिए भी जगह दी गई है 4x8x4 का ऑफसेट एरिया। इसका टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आपको लगभग 12 लाख रुपीस तक पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ जो है डिपेंड करता है जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस पर टोटली डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।